अगेन मैंने ऑर्डर किया है मीशो से कुछ रैंडम आइटम और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, एंड काफ़ी टाइम भी मुझे लगा है इनको चूज़ करने में। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें रिसीव हुई है, क्वालिटी टॉप नॉच है, एंड बहुत कुछ यूज़फुल आइटम इसमें होने वाले हैं, किचन से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, एंड काफ़ी कुछ टूल्स इसमें हैं जो कि मैंने अंडर 300 रुपीज़ ऑर्डर किए हैं। कुछ आइटम हैं जिनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, वैसे सारा कुछ मैंने अंडर 300 रुपीज़ रखा है, एंड स्टार्टिंग प्राइस तो जस्ट 86-96 इस तरह से होने वाला है। सो जो फर्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये है एक टम्बलर, जिसका जो कैपेसिटी है वो 1200 ml की है, एंड इसको आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते देखा होगा सेलिब्रिटीज़ को, एंड ये मिंत्रा पे ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने वहाँ की भी लिंक लगाई है, अगर आपको बहुत टॉप नॉच क्वालिटी चाहिए तो आप मिंत्रा से भी ऑर्डर कर सकते हो। मिंत्रा से अगर आप ऑर्डर करते हो तो सेम एज़ इट इज़ आपको प्रोडक्ट वैसा ही डिलीवर होगा जैसा आपको इमेज में शो किया होता है। सो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो इसको मैंने अंडर 600 रुपीज़ ऑर्डर किया है, 585 रुपीज़ का मुझे कुछ पड़ गया था, एंड ये कुछ ग्रीन कलर में रिसीव हुआ है, शिमरी शिमरी सा इसमें कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, एंड अंदर की तरफ इसमें ग्लास लगा हुआ है जिससे ये हॉट एंड कोल्ड जो भी आप इसमें रखते हो, पानी वगैरह या फिर कुछ भी आप रखते हो, मीन के आप इसमें अगर हॉट वाटर रख रहे हो तो ये हॉट रहेगा, एंड कोल्ड रख रहे हो तो कोल्ड रहेगा। साइज़ इसका 1200 ml की इसकी कैपेसिटी है, तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर रही थी और इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ आपको स्ट्रॉ भी मिल जाती है जो कि डायरेक्ट यहीं पर से लगती है, फोम का कुछ कट के यहाँ पर लगा हुआ है, एंड अंदर की जो क्वालिटी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टील लगी हुई है, एंड अंदर की तरफ इसमें ग्लास लगा हुआ है। उठाने पे काफ़ी ज़्यादा हैवी सी बॉटल है, मैंने बेज कलर देख के कुछ रिसीव की थी, बहुत कम सेलर इतने प्राइस में इसको सेल कर रहे हैं, एंड अभी आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक भी है। सो मैंने मिंत्रा का भी लिंक दिया है एंड मीशो का भी लिंक दिया है, आप चाहो तो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। मिंत्रा पे जो इसका प्राइस है वो 1200 से ज़्यादा है, और मीशो से मैंने इसको ऑर्डर किया है सिर्फ 185 रुपीज़ में, एंड कोई भी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस मैंने पे नहीं किए हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ये, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस जो कलर है वो आपको रैंडम रिसीव हो सकता है। मीशो पे ऐसा ही होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ पर्टिकुलर चाहिए है एक सेपरेट कलर की तो वो हो सकता है कभी कभी आपको ना भी रिसीव हो, मीशो पे ऐसा चलता है। अगर आपको मिंत्रा से चाहिए तो वहाँ का भी मैंने लिंक डाल दिया है। सो जो सेकेंड प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था ये वुडन की ट्रे है जिसमें आप ऑयल डिस्पेंसर वगैरह रख सकते हो, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा उमदा रिसीव हुई है, एंड ये भी अंडर 300 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। पैक ऑफ 2 में मैंने इसको ऑर्डर किया था, एंड अगर आप चाहो तो इसको सेपरेट भी ऑर्डर कर सकते हो, पैक ऑफ 1 में भी मिल जाएंगे, एंड साइजेस भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं तो आप साइजेस भी चेक कर सकते हो। क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी डस्ट वगैरह लगी हुई थी वो भी क्लीन होने के बाद काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर आप चाहो तो ये भी परचेस कर सकते हो। इसका भी लिंक मैंने दे दिया है, अलग अलग साइज़ के हैं तो मैंने अलग अलग लिंक लगा दी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। मैं अगर आप अपने ऑयल की बॉटल वगैरह रखते हो या फिर कुछ भी रखना हो आपको इसमें रखोगे, स्पेशली अगर आप ऑयल रखते हो तो अगर वो थोड़ा सा भी लीक होता है तो ये जो इसमें वुडन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड अलग से बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होता। सो क्वालिटी काफ़ी अच्छी, अच्छे खासे ये हैवी हैं, एंड इस प्राइस में काफ़ी उमदा क्वालिटी आपको मिल रही है, सो ये भी परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैंने ये 3D प्रिंट डोरमैट ऑर्डर किया था, ये अंडर 200 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, 153 रुपीज़ में मैंने इसको ऑर्डर किया था क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, एंड कुछ कॉइन्स वगैरह को यूज़ करके 153 रुपीज़ में ही मिल गया था। इसकी भी क्वालिटी, साइज़ वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है, ब्रेथ एंड इसकी लेंथ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ये स्क्रीन पर भी। सो इतना ही इसका साइज़ है, एंड इसमें आपको काफ़ी और भी अच्छे अच्छे प्रिंट मिल जाएंगे। थिकनेस जो है वो इसकी कुछ इतनी है, एंड टाइल्स वगैरह पर अगर आप डाल रहे हो तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, काफ़ी उमदा क्वालिटी है, एंड जो वाटर होता है वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, ये शॉक प्रूफ है लेकिन ट्राई मत करना, ये वहाँ पे मेंशन था कि ये शॉक प्रूफ है, एंड ये भी काफ़ी उमदा क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, एंड इससे पानी जो है ना काफ़ी जल्दी से गर्म वगैरह हो जाता है। सो अभी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, ये भी एक यूज़फुल आइटम है। सो ये ऑफलाइन भी मिल जाता है बट मैंने ऑनलाइन ट्राई किया है, क्वालिटी बहुत उमदा रिसीव हुई है, एंड अच्छा खासा हैवी है ये और अच्छे से वर्क भी कर रहा था। सो मीशो पे हमें कभी कभी कुछ प्रोडक्ट जो है ना इलेक्ट्रॉनिक जो भी होते हैं वो सही नहीं रिसीव होते हैं, बट इसका प्लग एंड वायर वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, अच्छा खासा हैवी वाला है, मोटा सा एकदम है,
बिल्कुल हल्का फुल्का वाला नहीं है, जो कि लगाने पे बिल्कुल जल्दी से ख़राब हो जाए। इसका प्लग वगैरह काफ़ी अच्छा था। सो इस प्राइस में इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऑफलाइन ये शायद इतने में ना भी मिले आपको। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये फ्रिज मैट है। अच्छा, इसके साथ टॉप कवर नहीं आया था, यानी ऊपर आपको डालने के लिए मिलते हैं कॉम्बो में, बट अभी इसका प्राइस 140 रुपीज़ हो गया है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 96 रुपीज़ में फ्री डिलीवरी के साथ ऑर्डर किया था। पैक ऑफ 4 में है आई थिंक ये, और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर भी मिल जाएंगे एंड डिफरेंट डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। बिल्कुल प्लेन भी मिल जाएगा, इसमें कट्स वगैरह बने हुए हैं, अगर आपको विदाउट कट्स वाला चाहिए तो आपको वो भी ईजिली मिल जाएगा। एंड ये सिलिकॉन के हैं, जिसको आप आराम से निकाल के ना वॉश वगैरह भी कर सकते हो, एंड फ्रिज वगैरह ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है। वैसे मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि फ्रिज में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। बाकी अगर आपको अच्छे लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हो, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके ऊपर रखने से ना कुछ भी सामान वगैरह या फिर कुछ भी गिरता वगैरह नहीं है, या फिर जो गिरता भी है तो आप इसको निकाल के क्लीन कर सकते हो। सो मैंने इसको रिव्यू करने के लिए ऑर्डर कर दिया था। बाकी मुझे इतने ज़्यादा कुछ खास समझ में नहीं आए इनका यूज़, और अलग अलग कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न मिल जाएंगे, एंड प्राइजेस जो है ना वो काफ़ी चेंज भी मिलेंगे, उसके साथ आपको टॉप कवर भी मिल जाएगा। सो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए थे ये हैं ग्लास के बाउल, जो कि काफ़ी उमदा क्वालिटी के हैं। इस प्राइस में लोकल मार्केट में एक आपको 100 रुपीज़ का या फिर 120 रुपीज़ का मिल जाता है। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर चूज़ करोगे, उस हिसाब से प्राइस होगा। सो यहाँ पे कॉम्बो में मुझे मिल गए थे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ लिड वगैरह नहीं आती है, विदाउट लिड है। एंड जो ये ग्लास है वो थोड़ा सा एकदम येलोइश वाला था, बिल्कुल प्रॉपर वाइट नहीं था, लेकिन इस प्राइस में इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ग्लास वाले चाहिए हैं तो उसका भी लिंक मैंने लगाया है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो अंडर 500 रुपीज़ होगा, बट उसमें आपको साइज़ भी थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, एंड जो ग्लास है वो बिल्कुल वाइट वाइट सा एकदम क्लीन दिखेगा। अभी जो मेरे हाथ में ये दोनों बाउल है ना, इनकी क्वालिटी इन प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड ये ऑफलाइन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा खासा इसकी ग्लास की फिनिशिंग है, साइजेस भी इसमें जो दिखाए थे ना सेम एज इट इज़ हमको वही रिसीव हुए हैं, एंड पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है दिन पे दिन मीशो की, एंड बहुत अच्छी पैकिंग के साथ मुझे डिलीवर हुआ था। सो अच्छा, ये कुछ न्यू आइटम ऐड हुआ था मीशो पे, इससे पहले मैंने इस बास्केट को ना ही देखा ना ही ऑर्डर किया था, क्योंकि गोल्डन टोन में जितने भी बास्केट या फिर थाली वगैरह होती हैं डिकोर के लिए स्टोरेज के लिए, वो ऑलमोस्ट मैं सबका रिव्यू कर चुकी हूँ, बट जिस प्राइस में इसकी क्वालिटी हमको मिली है ना, बहुत ज़्यादा उमदा इसकी क्वालिटी है। फ्रूट बास्केट है, इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स आ सकते हैं, एंड इसमें जो ये वायर यूज़ किया हुआ है ना बनाने में काफ़ी ज़्यादा हैवी थिक सा है, एंड उठाने पे अच्छी खासी ये हैवी है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अंदर रिसीव हुई है। सो इसमें आप चाहो तो अपना स्किन केयर भी स्टोर कर सकते हो, डिकोर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसमें मैंने फ्रूट्स रखे थे और काफ़ी सारे इसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, बहुत प्यारी है। एंड इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था 380 रुपीज़ समथिंग पड़ा था, जो भी प्राइस रहेगा मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इस प्राइस में। सो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये है एक अबाया, जिसमें आपको बहुत सारे कलर के रिसीव हो जाएंगे, आई मीन ऑर्डर कर सकते हो आप, इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। सो मैंने जो ऑर्डर किया था ये ब्लैक कलर में किया था, एंड नमाज के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है, और इसका जो मटेरियल है फैब्रिक का वो लाइक्रा है, एंड अच्छा खासा ये स्ट्रेच होता है। अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा भी है तो भी आपको ये अच्छे से फिट आ जाएगा, कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। सो मैंने इसको पहन के देखा था, काफ़ी अच्छे से फिट आया था, मेरा मतलब है हाथ वगैरह बिल्कुल भी खुले नहीं थे, ना ही छोटा था और ना ही बिल्कुल बड़ा था, काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड यूज़फुल भी है, आप चाहो तो ये भी चेकआउट कर सकते हो। सो मॉनसून सीज़न चल रहा है, बारिश वगैरह के लिए अगर आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। इसको आपको सिर्फ हैंग करना होता है, एंड काफ़ी सारे कपड़े इसमें आप सुखा सकते हो। ब्लू कलर में मुझे कुछ रिसीव हुई है, एंड इसमें भी रैंडम कलर आपको मिल सकता है। काफ़ी सारे इसमें हुक्स भी लगे हुए हैं, जिससे आप आराम से कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हो, इसको आप इंडोर जो कपड़े होते हैं वो सुखा सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, एकदम रेडीमेड है, बस इसको आपको मंगाना है एंड सिंपली हैंग कर देना है, कोई भी कीला वगैरह ठोकने का कोई झंझट नहीं है, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही प्रोडक्ट है। एंड ये सिर्फ मैंने 96 रुपीज़ या फिर 98 रुपीज़ में ऑर्डर किया था, जब मैंने ऑर्डर किया था तब डील वगैरह कुछ चल रही थी, एंड बाद में प्राइस जो है ना वो थोड़े से कम भी हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। एंड जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये भी मैंने ऑर्डर किया था सिर्फ 80 रुपीज़ में, ये है जूसर, इसमें आप मौसम्बी वगैरह का ना जूस वगैरह निकाल सकते हो, एंड इसी के साथ आपको मग भी मिल जाता है, और देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, एंड इसको मैश करके भी आप कोई सा भी जूस वगैरह निकाल सकते हो, बनाना वगैरह भी इसके अंदर मैश कर सकते हो।
सो काफ़ी अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है ये भी, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी सही है। ऑफलाइन मुझे नहीं पता ये कितने में मिलेगा, बट ऑनलाइन इसका जो प्राइस है वो कभी कभी 80 रुपीज़ होता है, एंड एक्स्ट्रा कोई भी डिलीवरी शिपिंग चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। सो जो भी अलग से बचता है ना एक्सेस वगैरह मौसम्बी वगैरह का, वो इस तरह से आप मैश करके निकाल सकते हो। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये भी, आप ट्राई कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था एक सो ट्रू की हेयर फिनिशिंग स्टिक है, एंड इसका प्राइस आप मीशो पे चेक कर लेना कितना है। वैसे आप इसको नायका से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। सो इसका जो प्राइस है 375 रुपीज़ है फ़िलहाल, बट मैंने जितने में ऑर्डर किया था मैं आपको स्क्रीन शॉट लगा दूँगी। सो इससे होता क्या है, जो आपके छोटे छोटे से बेबी हेयर होते हैं ना, उसको आप अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हो, जिससे वो बिल्कुल भी उड़े उड़े से नहीं रहेंगे। सो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है, हर कोई इसको ट्राई कर रहा था। सो मैंने भी ऑर्डर कर लिया, इसका भी लिंक मैंने दे दिया है, आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इस प्राइस में आपको ऑफलाइन तो ये जो मैन स्लीपर है ना मिल नहीं सकती, एंड इसको मैंने सिर्फ ऑर्डर किया 160 रुपीज़ में, एंड जो क्वालिटी रिसीव हुई है ना बहुत ज़्यादा अच्छी। एक चीज़ इसमें बस बुरी है, जो इसके ऊपर बड़ा सा ये लोगो लगा हुआ है, स्टैंप वगैरह जो लगी हुई है वो नहीं अच्छी लग रही है, बाकी अच्छी थी इसकी फिनिशिंग वगैरह भी। एंड जो इसमें साइज़ मैंने ऑर्डर किया था वो आई थिंक 6 था, एंड इसके साथ ही मैंने एक और स्लीपर ऑर्डर किया, वो भी इतने ही प्राइस में मैंने ऑर्डर किया। सो वो भी मैं अभी आपको शो करूँगी। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। सो बिल्कुल भी हैवी नहीं है पहनने पर, मटेरियल जो इसका है ना बहुत ज़्यादा हल्का वाला है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ अच्छी थी, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हो लेना तो ले सकते हो, अच्छी है। एंड जो नेक्स्ट है ये सिर्फ 129 रुपीज़ में मैंने ऑर्डर की थी डील में, एंड इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, पहनने पे बहुत ज़्यादा पता चल रहा था। एंड ये कुछ भीगा हुआ पार्सल रिसीव हुआ था बारिश की वजह से, तो अंदर से स्मेल भी बहुत ज़्यादा अजीब सी आ रही थी। सो ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट जो पहले वाली मैंने दिखाई है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो वो वाली आप ट्राई कर सकते हो अगर ऑर्डर करना है किसी के लिए तो। ये अच्छी है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा हैवी वाला है, पहनने पे आपको थोड़ा हैवी हैवी सा फील होगा, बट पहले वाले के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, आप वो वाले ट्राई कर सकते हो। एंड इसका प्राइस 129 था, एंड उसका वाला 160। एंड जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए थे ये डोरमैट है, जो कि देखने में कुछ और थे, और रिसीव मुझे इतने पुराने पुराने से, बहुत ही इनका कलर भी बिल्कुल फेड उड़ा हुआ था, काफ़ी ढीले डाले से थे। 150 रुपीज़ में मैंने एक और अभी आपको डोरमैट दिखाया, जो कि 3D प्रिंट पे है, काफ़ी अच्छा है, बट ये कॉम्बो में है, साइज़ भी इसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एंड ना ही इसका कलर अच्छा है, फेड कलर है, एंड बिछाने पे ना बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, बिल्कुल स्लिप हुआ जा रहा था। सो इसका अलावा मैंने एक और ऑर्डर किया है रग, जो कि 250 रुपीज़ में आपको बहुत अंदर क्वालिटी मिलेगी, उसका लिंक मैंने लगा दिया है, फ़िलहाल वो मुझे रिसीव नहीं होगा, रिसीव होगा तो मैं शॉर्ट में उसका रिव्यू शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए थे ये नेल्स, जो कि मेरे पास सेम है, जो कि मैंने पर्पल से ऑर्डर किए थे, कुछ डिज़ाइन मुझे समझ में नहीं आया, एक साथ प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर दिए। सो काफ़ी देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट ये आपको 99 रुपीज़ में पर्पल पे मिल जाएंगे, बट इस मीशो पे आपको थोड़े से महंगे मिलते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे नेल्स थे, बट कंफ्यूजन हो गई थी लगाने पे, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लेकिन सेम मैंने पर्पल से भी ऑर्डर किए थे, इस वजह से मुझे कुछ महंगे से लगे हैं। इसके साथ आपको टूल भी मिल जाता है, जिससे आप क्यूटिकल्स को पीछे पुश कर सकते हो, बफर मिल जाता है, एंड इसके साथ ये आपको ये स्टिकर मिल जाते हैं, प्रेस ऑन नेल हैं ये, इसको सिर्फ प्रेस करना होता है, एंड आप बाद में आराम से इसको रिमूव कर सकते हो, एंड जब तक आप कोई काम करोगे निकलेंगे नहीं। एंड ये जो लैम्प है ना 234 रुपीज़ का है, ये मिनी लैम्प है ये, एंड इस प्राइस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मतलब ये पिंट्रेस्टी इंस्पायर्ड है, और काफ़ी उमदा इसकी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। एंड अमेज़ोन पे अगर आप कहीं पर भी चेक करोगे ना, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ सबसे सस्ता ना आपको मीशो पे मिल रहा है, इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, अलग डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे, सो वो आप चेक कर लेना। एंड ये जलने पे कुछ ऐसा लगता है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये है। अगर आप ये अमेज़ोन वगैरह से ऑर्डर करते हो तो आपको 600-700 रुपीज़ का आराम से मिलने वाला है, सिर्फ मीशो पे ही आपको 234 रुपीज़ में मिल रहा है, एंड ज़्यादातर ना ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है, सो मैंने इसको बंद कर दिया है, एंड देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। सो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था 140 रुपीज़ में,
यह है एक स्टेनर बाउल जिसमें आप चाउमीन वगैरह या फिर राइस वगैरह भी स्टेन कर सकते हो। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप उसके लिए ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल रहता है एंड इसमें चावल वगैरह, चाउमीन वगैरह, पास्ता, आप कुछ भी स्टेन कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है एंड ये आपको कभी कभी 150 रुपीज़ में भी मिल जाता है डील में। एंड नेक्स्ट जो आइटम मैंने ऑर्डर किया काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ऐसी सैलड ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में मैंने देखी थी। चाइनीज़ सैलड जो होती है, लेकिन जो कट होती है वो इसी टूल के साथ होती है। अच्छा, इसके साथ ये हुक फ्री आया था जिसको आप स्टिक कर सकते हो, सो उसको मैंने नहीं दिखाया। बाकी ये काफ़ी उमदा क्वालिटी का, काफ़ी हैवी सा है। प्राइस इसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे जो वेजिटेबल्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी कट होती हैं, एकदम आराम से, और काफ़ी यूज़फुल आइटम है। वैसे मैंने इस वेजिटेबल्स को कट नहीं किया है, मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया था ये काफ़ी बेकार क्वालिटी की मुझे रिसीव हुई थी। ये सिर्फ टाइल्स पे या फिर आप जो डोर वगैरह होते हैं उस पर अच्छे से स्टक होती है, वॉल पे लगाने के बाद ये आराम से निकल भी आती है, उसका जो वेट होता है ये उठा नहीं पाती, बाकी ये निकल आती है। एंड ये थोड़ी सी डैमेज भी मुझे रिसीव हुई थी, इस वजह से इसको मैंने रिटर्न कर दिया था। बाकी इसमें आपको अलग अलग हुक्स की मिल जाएंगी, मतलब साइजेज़ आप देख लेना, जो हुक्स हैं उनकी क्वान्टिटी आप देख लेना। जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये काफ़ी ट्रेंडिंग अब आया है, हालांकि मैंने ऑर्डर तो ये ब्राउन कलर में किया था और मुझे जो रिसीव हुआ है वो बिल्कुल अजीब वाहियात सा कलर रिसीव हुआ है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। एकदम सी ग्रीन या स्काई ब्लू कलर का था और जो फैब्रिक है वो बिल्कुल ही घटिया वाला, एकदम घटिया वाला है, एंड ये रिटर्न भी नहीं हो रहा था। सो बहुत मुश्किल से ये एक्सचेंज वगैरह में मैंने इसको डाला है। बाकी कलर मुझको बिल्कुल भी अलग ही रिसीव हो गया, जो कि पहनने पे भी नहीं अच्छा लग रहा है और देखने पे भी नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, वैसे ब्राउन कलर में होता तो काफ़ी बेटर था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी, उनको ब्राउन कलर ही रिसीव हुआ है। तो ऐसा मीशो पे हो जाता है, जो चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो कभी कभी आपको वो कलर रिसीव नहीं होता और उसकी वजह से रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और एक्सचेंज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसको कस्टमर केयर पे बात करने के बाद मैंने इसको एक्सचेंज किया है, काफ़ी दिक्कत आई है। सो इसमें जो हुक वगैरह लगे हैं, उसके काज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा एकदम थिन सा था, जो कि आपके अंदर के कपड़े वगैरह होंगे ना पीछे से बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट सा था, जो कि विजिबल हो सकते हैं। एंड इस प्राइस में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे और भी अवायर परचेज़ किए हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, इस पर थ्रेड वर्क काफ़ी सही हुआ है, लेकिन जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस प्राइस में आपको बहुत अच्छे अच्छे बाया और मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी मैंने शेयर किया है। एंड अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी सारे अबायास के लिंक मिल जाएंगे। पहले मैंने जो अबाया आपके साथ शेयर किया था उसमें सिर्फ स्लीव्स बनी थी, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। एंड इसके साथ जो दुपट्टा आया है ना, उसकी ना ही लेंथ अच्छी है और ना ही ब्रेथ अच्छी है और ना ही ये आपके सर पर बिल्कुल भी टिकने वाला है, बस बिल्कुल यूँ ही फ्री का दे दिया है। दूसरे वाले अबाया के साथ जो दुपट्टा आया था ना, बहुत अच्छा आया था, वो आप ज़रूर चेकआउट करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक लगाया है। अच्छा, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, सो ये मेरा दोबारा परचेज़ किया मैंने। इसमें आपको पैक ऑफ 5 में ये पिलो कवर्स भी मैंने ऑर्डर किए हैं एंड ये पिलो भी ऑर्डर किए हैं। इसके लिए कवर मैंने अलग से ऑर्डर किए थे अंडर 300 रुपीज़ एंड ये आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इधर की तरफ जो है ना, इसमें जो कॉटन भरी हुई है ना, जो रिफिल है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो इसके ऊपर जो लाइनिंग लगी हुई है वो काफ़ी थिन है, अगर आप चाहो तो अलग से इसके ऊपर कवर चढ़ाने के बाद कुशन कवर को लगा सकते हो। और कुशन कवर्स भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए हैं, बहुत ही ज़्यादा उमदा क्वालिटी में मुझे ये मिल गए हैं। सो अगर आपको दिखते हैं तो आप ज़रूर परचेज़ करना, इसमें आपको 4 डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। सो मैंने ये कुछ ब्राउन कलर में, बेज कलर में ऑर्डर किए थे, इसमें आपको पिंक कलर एंड लाइट ब्राउन कलर इस तरह के मिल जाएंगे, एकदम लाइट बेज कलर है, सो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट मैंने ये वाला लिया कुछ गोल्डन टाइप का। एंड इसका जो प्रिंट है, पेंट है, वो पेंट प्रिंट है। और अगर आपको चाहिए तो सीक्वेन वाली भी मिल जाएंगी, सीक्वेन वाली भी बहुत प्यारी हैं, बहुत ही बारीक सी उसमें सीक्वेन लगी हुई हैं और वो भी देखने में बहुत प्यारी लग रही है। डिकोर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो एक के ऊपर मैंने लगा के भी दिखाया है। और साइजेस जब आप ऑर्डर करो ना, तो पिलो कवर या फिर पिलो को देख के ही आप ऑर्डर करना, नहीं तो छोटा बड़ा भी हो सकता है। सो साइजेस को मैंने ध्यान में रखते हुए ऑर्डर किया था। एंड इस तरह से जिप मिल जाती है, सिंपली आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये कवर्स हैं, इसमें कलर भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड मीशो से मैंने काफ़ी सारे कुशन कवर पहले भी और मंगा रखे हैं, कलर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। फैब्रिक वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको चाहिए हो आप उस अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो।
तो ये काफ़ी सही डील थी। यही मेरा लास्ट प्रोडक्ट था और इसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट थी एंड इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ और ऑर्डर किया है मीशो से, जो कि होम डेकोर है, किचन यूटिलिटी है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। ये रग बिल्कुल भी ऑर्डर मत करना, बिल्कुल ही बेकार है। एंड 150 रुपीज़ में आपको और भी अच्छे अच्छे डोर मैट मिल जाएंगे, कॉम्बो में भी मिल जाएंगे जो कि 250 की रेंज में है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक थे जो कि मैंने दूसरे सेलर के लिंक लगा दिए हैं। जो ट्रे है इसको मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था एंड इसका रिव्यू मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने इसको दोबारा दिखाया नहीं है। बाकी यहाँ पे रखी हुई थी तो मैंने इसको भी इसमें कवर कर दिया है। अगर आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही उमदा क्वालिटी की ये ट्रे है एंड इसमें काफ़ी सारे कप्स आ जाएंगे। आप कुछ स्टोर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको अभी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलने वाले हैं, क्योंकि मीशो पे सेल चल रही है एंड ये बास्केट जो है ना हाईली रिकमेंडेड है। सो वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।